यदु जी ने कहा मुझे श्री कृष्ण मिलते। असल में भक्त भी उनके ही थे, भक्त भी किसके थे, उनके भक्त थे वो। तो उन्होंने कहा मुझे कभी श्री कृष्ण मिलेंगे, मेरे घर आएंगे। विदुर जी से भी ज्यादा विदुरानी के मन में, देखो भक्ति जब बहुत ऊपर उठ जाती है ना तो उसके मन में ये आता है कि मेरे घर आएंगे, मेरे घर कभी ठाकुर आएंगे। ठाकुर जी वहां आने के लिए एक नदी के किनारे कुटिया बना करके विदुर जी पांडव सभा छोड़ करके चले गए और कुटिया बनाकर रहने लग गए। रोज 3 घंटे प्रभु का कीर्तन करना और उनकी बाट देखनी। विदुर जी ने सोचा, उनकी पत्नी ने कहा क्या बात है आप हस्तिनापुर का दरबार छोड़ के आ गए। बोले जो प्रतिकूलता सहन कर ले, अपमान सहन कर ले और वहां से निकल आए तो भगवान उस प्रतिकूलता में भी उसको कोई ना कोई भलाई होगी। भगवान ने मेरे को आज सब प्रतिकूल दिया है तो कोई ना कोई जरूर भलाई होगी। इसे स्वीकृति में लेना चाहिए, उसे भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए। जो आपने किया परमात्मा मेरे लिए अच्छे के लिए किया होगा। भक्त हमेशा उसकी इच्छा के लिए बात कर देता है। किंतु विदुर जी ने जिस दिन से पांडवों का घर छोड़ा उस दिन से वहां का पतन शुरू हो गया। किसी के घर में, कोई कुटुंब में कोई अच्छा भक्त होता है, विभीषण ने जिस दिन लंका छोड़ी उसी दिन से दशरथ का पतन शुरू हो गया। कोई भक्त किसी परिवार में भी होता है, किसी समाज में भी होता है, किसी गांव में भी होता है, किसी देश में भी होता है, लेकिन उसको कोई समझता नहीं है। इसलिए जब उसको अपमान करके निकाला, मीराबाई को जो ही राणा ने निकाला वहां से पतन होना शुरू हो। यहां पर उन्होंने निकाल दिया, पर उस समय तक विदुर जी यात्रा पे नहीं निकले। विदुर जी वहीं पर हस्तिनापुर में मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण भगवान आने वाले हैं। क्यों आए थे? संधि कराने के लिए आए थे। जो ही मालूम पड़ा कि कृष्ण आने वाले हैं उनकी भक्ति तीव्र हो गई। तीव्र मतने ऐसे तीव्र हो गई कि भगवान आने वाले हैं। जैसे हमें अभी पता लग जाए कि इस 3 वाले पे भगवान आने वाले, सबके मन में हो जाए मेरी तरफ देखेंगे, मेरी तरफ देखेंगे। सब अपने अपने अपना चेहरा उठाएंगे कि मेरी तरफ देखें। धृतराष्ट्र हमेशा भगवान कृष्ण को कुभाव से देखते थे, अच्छे भाव से नहीं देखते थे। ये तो पांडवों की तरफ का है, ये तो पांडवों की तरफ था। एक संत थे, 2 भाइयों की लड़ाई हुई, ये भी बनी घटना है, सत्य घटना है। 2 भाइयों की लड़ाई खूब जोर से, दोनों ने बोलना बंद कर दिया, चलना बंद कर दिया। एक संत थे, वो एक भाई को अच्छी तरह, एक भाई उन संत का बहुत जानता था। वो संत वहां से गए, बोले क्या करूं मन नहीं लगता है, वो भाई मेरे से बोलता नहीं है, वो भाई मेरा सुनता नहीं है और बैठे बैठे कितनी कुचालें करता रहता है और चारों तरफ उसने मेरे लिए ऐसे फैला दिया। संत ने कहा लड़ाई तो रुपयों पैसों की है ना, चलो मैं चलता हूं। उस संत ने वहां से हट करके कभी नहीं जाने वाले उस गांव में गए। उस गांव में जाकर के उस जगह जहां उतरे वहां से कहा फला फला को बुला के लाओ। उसको बुला के लाने के लिए कहा, सब घर के चले गए कि संत आए हैं द्वार, तू चल। बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो उसके संत है, वो उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मेरा बराबर से नहीं करेंगे, वो उसके संत है। ये हमेशा भावना जो हृदय में एक द्वेष की होती है, लड़ाई में वो द्वेष में पड़ जाने से अपना बुरा कर लेता है। और ये जिनके मुख से सुनिए, साक्षात समझ लीजिए स्वामी जी महाराज के ही मुख से सुनिए, और बनी घटना है। और उस भाई ने, सब चले गए, उसकी माँ भी गई, अरे संत को तू इस द्वार से वापस भेजेगा, अच्छा नहीं होगा तेरा, तू जा, नहीं गया। बस एक आदमी उनके साथ था, वो आदमी ने कहा अरे अरे अरे, संत उनके द्वार गए नहीं बुलाया, उसने दरिद्री मोल ले ली। और सचमुच में इतने वर्षों में कब के वो दरिद्र हो गए। ये बात इसलिए नहीं मैं कह रही हूं कि आप उसके लिए, लेकिन कोई संत आपके द्वार आए तो अपमान तो मत ही करो, न बात मानो, पर अपमान कभी नहीं किसी संत का करना चाहिए। इधर कृष्ण भगवान का बहुत बार अपमान हुआ हुआ था, उनका आमंत्रण अस्वीकार करने के लिए रथ पर श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं। कहां? पांडवों की सभा में। 5 गांव
पृथ्वी मांग संधि कराने के लिए। भगवान बहुत छोड़ता है, कहीं दो की लड़ाई होती है तो भगवान बार बार चांस देता है कि किसी तरह दुर्बुद्धि से थोड़ी सी हट जाए, लेकिन जब नहीं होता है तो मैंने कल भी आपको कहा था कि सहन शक्ति इतनी ना वापरो कि सामने वाला बुरा ही बन जाए, सहन शक्ति इतने तक वापरो जब तक सामने वाले को अपनी गलती न महसूस हो। जब गलती नहीं महसूस होती है तो हमेशा के लिए वो गलत आदमी हो जाता है, उस समय युद्ध करो। भगवान ने 5 गांव मांगे, आने के पहले रथ पर निकलने लगे, क्या शोभा है कृष्ण की देखिए। रथारूढ़ो गच्छन् पति मिलित भूदेव पटलै स्तुतिर्प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकण्य सदय दया सिन्धोर्वन्दो सकल जगतां सिन्धु सदयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। ये वो ही बोल सकता है जिसे भगवान की बहुत 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 प्रतीक्षा, नयन पथगामी भवतु में सारे ब्राह्मणों के द्वारा स्तुति की गई, श्री कृष्ण वहां पधारे। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता हम भगवान को पहचान भी नहीं पाएंगे, और हम भगवान से भगवान आके भी चले जाएंगे तो हम भगवान को बिना पहचाने हम उनसे बात भी नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर का हृदय इतना भाविक और द्रव भी नहीं होगा, द्रवित भी नहीं होगा। विदुर जी और सुलभा, विदुर जी की पत्नी वहां से देख रही थी, यहां से रथ आ रहा, यहां से रथ आ रहा, यहां से रथ। इतनी भीड़ में सब लोग कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और विदुर जी देख रहे हैं, मेरी तरफ देख ले, मेरी तरफ देख ले, ऐसे देख रहे हैं। सुलभा बोली अपन गरीब है तो अपनी कुटिया पर नहीं आएंगे, क्योंकि विदुर जी तो बांधव की शोभा से निकल गए थे तो उनको वो तो कुछ लेके निकले नहीं थे, कुटिया में रहते थे। बोले मेरी कुटिया में आएंगे, उस दूर से ही देख रहे थे। भगवान ने उस रथ पर से विदुर जी की तरफ नैन मिला लिए और इशारा कर दिया, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। भगवान के इशारे की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर भगवान की पुकार होती है तो अंदर से भगवान बोल जाते हैं। भगवान वहां पहुंचे और 4-5 गांव मांगा उन्होंने, वहां से अपमान कर दिया। 5 गांव क्या एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा कृष्ण, दुर्योधन ने शब्द कहे। धृतराष्ट्र बैठे मुंह देख रहे हैं, अरे धृतराष्ट्र का काम नहीं अपने बेटे को पकड़ ले और कहे कि इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन कौन, आजकल तो कोई किसी को बोलता ही नहीं, बड़े बोलते नहीं, छोटे बोलते नहीं, जो चाहे जिसका अपमान करो, जो चाहे जिससे जो कुछ कर लो, कोई बोलने के लिए है ही नहीं, कोई अच्छी शिक्षा देने वाला ही नहीं। धृतराष्ट्र भी वही द्वेष से युक्त थे, हाथ पकड़ा नहीं, और धृतराष्ट्र कृष्ण ने कहा नहीं दोगे तो अब तैयार हो जाओ। और उस समय व्यक्ति की बुद्धि धृष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। जाने लगे कृष्ण तो इतने में धृतराष्ट्र ने रोका कि 56 भोग तैयार है कृष्ण तुम्हारे लिए, 56 भोग तैयार है। 56 प्रकार की खाद्य वस्तुएं के भगवान 56 भोग आ रखते हैं। बोले मैं यहां का भोजन नहीं करूंगा, कृष्ण ने पहली बार कहा मैं यहां नहीं, तो स्वीकार मैं यहां का भोजन नहीं करूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा क्यों, कहां करेंगे, और तो कोई है ही नहीं हस्तिनापुर में। बोले मैं एक मेरा भक्त रहता है गंगा किनारे, वहां जाके भोजन करूंगा। और कहा कि दुष्ट के यहां भोजन करना भी पाप लगता है, किसी दुष्ट के यहां का भोजन मत ग्रहण करो, और कोई पापी की यहां पर वो रोके तो रुको भी मत। किसी पापी के कहते हैं मैंने सुना है गुरुजी से कि नरक में रहना अच्छा, नरक में रहना अच्छा, किंतु किसी दुष्ट और पापी के यहां रहना, उनके पास रहना अच्छा नहीं, उसके वाइब्रेशन बहुत खराब लगते हैं। विदुर जी ने कहा अभी तक मैं अपात्र रह गया हूं, और उन्होंने वहां से कीर्तन शुरू किया, और कीर्तन श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। उन्होंने कहा नाहम वसामि वैकुंठे
योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। ओ मन मोहना ओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। आओ मन नंद नंदना। विदुरानी और विदुर जी घर में कीर्तन कर रहे हैं। ओ गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। ओ गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। कैसे मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। मेरे श्याम कैसे तुम द्वारका में द्रौपदी की तेर सुनी। कैसे तुम गज काज नंगे पाँव धाए ना। कैसे तुम गणिका के अवगुण निवारे ना। कैसे तुम नरसी के माय राम रे होना। कैसे तुम मीरा के विष अमृत कर डारे ना। करुणा निधान श्याम मेरे फेर मुंदे का। अशरण शरण श्याम मेरे मन भाए ना। अशरण शरण श्याम मेरे मन भाए ना। अशरण शरण श्याम मेरे मन भाए ना। आओ नंद नंदना आओ मन मोहना गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। आओ मन आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। हो गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना।
कैसे पुकारा कैसे नहीं पुकारा। कीर्तन इतना अधिक द्रवित कर देता है, जब ठाकुर को पुकारते तो हृदय इतना द्रवित कि प्रभु से रहा नहीं जाता। तभी कहा मैं वैकुंठ में नहीं बसता हूं नारद, मैं किसी योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं, मेरा भक्त जब मेरे को पुकारता मैं उनके हृदय में जाके बैठ जाता हूं। झोपड़ी में विदुर सुलभा कीर्तन कर रहे हैं, बिना बुलाए आज भगवान उनके द्वार आ रहे हैं। इतनी भक्ति तेज होनी चाहिए कि भक्त बिना बुलाए भगवान आ जाए। यहां पर सुलभा विधुरानी वहां बैठी। भक्ति जब तीव्र होती ना तो हृदय द्रवित होता है। हमारी भक्ति तीव्र नहीं होती। मेरी बनी घटना सुनाऊं, मैं बहुत कीर्तन करती थी, लेकिन जब संत आने वाले होते थे तो जोर से करती थी, सीताराम 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 जय सीताराम। बोले अभी तो वो गाड़ी से ना बहुत दूर है, अभी 1 किलोमीटर दूरी से आने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उठा शांति करो। जो ही मालूम पड़े कीर्तन गुन की गाड़ी आ गई, सीताराम सीताराम सीताराम। ऐसे भी सब लोग कीर्तन करते हैं, चल आने वाले हो तब कीर्तन तेज कर दो, और जब कोई नहीं आने वाला हो तो घर में बैठो पिक्चर देखो। अरे आने वाले हैं क्या, अच्छा सीताराम सीताराम। ऐसे बहुत लोग करते हैं, सब लोग, आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन जब भक्ति तीव्र होती है, जब हृदय पवित्र हो जाता है, जब हृदय पवित्र होता है तो भगवान से मिलने की बेचैनी शुरू हो जाती। भगवान आने वाले होते हैं ना तो ऐसा लगता है मेरे पास क्या है जिससे मैं सेवा करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ। अरे भगवान क्या, भगवान के भक्त भी घर में आते हैं तो ऐसा लगता है, संत आते थे तो ऐसा लगता था मैं क्या दे सकती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं उनके मैंने कहा मैं एक दफ़े पूछी कि मैं स्वामी जी मेरे गुरुदेव को क्या दे सकती हूँ, इस रोम रोम में जो कुछ भरा है सब महाराज जी का भरा हुआ है, मेरे गुरुदेव का भरा हुआ, मैं उन्हें क्या दूँ जिससे कि मैं उनके ऋण से उऋण हो। तो मेरे को बहुत सुंदर गुरु जी ने बताया अहोभाव, बस अहोभाव दे दें कि आपके कारण से ये सब मिला है। वैसे विदुर जी भी यही कह रहे हैं कि जो कुछ है मैं भगवान को क्या सुख दे सकता हूं। भक्ति भी एक नशा है, अब कहते हैं नशा, भक्ति भी एक नशा है। मैंने बहुतों को देखा है कीर्तन रोज करते हैं, रोज करते हैं, अपने को लगता है रोज रोज वही हरे कृष्णा क्या करते हैं, लेकिन उसका भी नशा हो जाता है। भक्त का हृदय पवित्र होता है, उसको लगता है कि मैं किसको क्या खिला दूं, सोचिए उसके भाव कितने पवित्र हो जाते हैं। ये तो कहीं जाते हैं तो लगता है मेरे को ये मिल जाए। एक जगह मंदिर में बहुत भीड़ थी, वृंदावन में मैं थी, तो चरणामृत दे रहे थे, ऐसा लग रहा था अरे भाई वो आ रहे हैं रास्ते से आपको भी दे देंगे। सब उठ उठ के स्वामी स्वामी स्वामी, अरे उसके पास इतने हाथ पहुंच रहे हैं, वो तो इतनी दूर नहीं पहुंच सकता, लेकिन लोगों को लगता है जैसे हम रह जाएंगे। नहीं, हम दूसरों को दे दें। भक्त का हृदय बड़ा पवित्र होता है, सबसे ऊंचा है। भगवान को भूख नहीं लगती है, जब भक्त को खिलाने की इच्छा होती है तब भगवान को भूख लगती है। लोग पूछते हैं भगवान को भूख कब लगती है, भक्त को जब खिलाने की इच्छा हो उसी समय भगवान को भूख लगने लगती है। आज भगवान विदुर जी के द्वार पे खटखटा रहे हैं, चाचा जी दरवाजा खोलो मैं आ गया हूं। विदुरानी तब भी नहीं उठी, अपने कीर्तन में आओ नंद नंदना आओ मन मोहना गोपी धन प्राण धन, मेरे यहां कब आएंगे, मेरे हाथ से कुछ खाएंगे,
उन्होंने आया, अरे मैं दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं किया, मैं तुम्हारे द्वार आया हूँ। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। आज भाव के खाना, भाव का भोजन लेने के लिए भगवान विदुर के राए हैं। ईश्वर कभी भूखे नहीं होते, ईश्वर तृप्त हैं, किंतु जब हृदय प्रेम से भर जाता है, जब नेत्रों से आंसू निकलने लगते हैं, तो भगवान उसे पीने आ जाते हैं। निराकार भी साकार हो जाए पति पत्नी के बीच। आज कितनी बड़ी बात है कि भगवान चला करके, नहीं बुला करके, चला करके, और किसके घर पाहुना आए हैं। आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, 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 आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज भगवान विदुर के घर पावना बन के आए, बिल्कुल विदुरानी को कोई होश नहीं, विदुर जी बाहर जाके उनको लेके आ रहे हैं। अरे सुलभा देख तो सही, कैसे स्वागत करें, लेकिन भाजी कच्ची उतरी हुई थी, न पूरी भाजी थी, फूली अंग समावे न भोजन कहाँ जिमावना। अरे वो तो इतनी फूली संग समा गई कि उसको यही नहीं समझ में आया कि मैं भोजन क्या जिमा रही हूँ। केले काटने लगी, केले का छिलका उतारने लगी, और केले के छिलके ठाकुर जी के हाथ में दे दिया और केला नीचे डाल दिया। इससे ज्यादा और क्या बावरी हो जाएगी। बावरी भैरी बोरी भैरी, मैं तो कृष्ण प्रेम में बोरी भैरी, फूली अंगन सबावे और छिलका देत श्याम मुख माही, लागे बहुत सुहावना। और भगवान क्या कर रहे हैं, वो छिलका ही खा रहे। इतने में विदुर जी ने देखा, क्या कर रही है सुलभा, क्या कर रही है तू, नेत्रों से आंसू चल रहे, मेरे घर आए पावना। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए, खारे खोटे वचन सुनाए, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, कहाँ दवाई भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर जी ने तुरंत उससे ले लिया केला लेकर के, और छिलके तो हटा दिए और केला है ना उनके हाथ में दे दिया। ठाकुर जी केला लीजिए, तो क्या कहा, केला लिया विदुर कर माहे, केला लिया विदुर कर माहे, गिरी देत गिरधर मुख माहे, गिरी देत गिरधर मुख माहे। अंदर की गिरी थी वो देने लगे, क्या कहा कृष्ण जी ने, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, स्वाद नहीं वो आवना, बोले मेरे को स्वाद ही नहीं आ रहा है। विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। बासी खुशी, अरे भाजी भी वहाँ पड़ी थी वो भी पकाने नहीं गई। बासी खुशी, बासी खुशी रूखे सूखे, बासी खुशी रूखे सूखी, हो हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम
सखी कहे धन धन विदुरानी, सखी कहे धन धन विदुरानी, भक्तन मान बढ़ावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, ओ विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, ओ आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, हो आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। हमारा भी मन विदुर जी जैसा हो जाए, हमारा मन भी विदुरानी जैसा हो जाए। आज से हमारी सखियों, आज ऐसा सोचो कि मेरा हृदय का पात्र खाली है। आज यहाँ से जाने के बाद ठाकुर जी से यही कहिएगा, ऐसी कोई भाजी, ऐसा कोई केला का छिलका, ऐसा कोई केला, ऐसा हमारे से भी प्रभु आप पाओ। कृष्ण हे 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 राधे राधे राधे। सबसे ऊंची प्रेम सदाई राधे, सबसे ऊंची प्रेम सदाई भगवान किसी का भूखे नहीं है, प्रेम के भूखे हैं। और सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साधु विदुर घर पाए, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ओ ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़े वृंदावन, गोपियन नाच नचाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यों, 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 भूल गए ठकुराई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, हो सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, हो कहाँ लग करे बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम का
करना तो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन निभाना सिर्फ कृष्ण को आता है। प्रेम तो हम बहुत से करते हैं, इससे हमारा प्रेम है, उससे हमारा प्रेम, सामने वाला आपका कितना ध्यान रखता है ये प्रेम कृष्ण ही जानता है। रिश्ते बहुत होते हैं पर निभाना सिर्फ श्री कृष्ण को आता है और किसी को नहीं आता। राजन, ये विदुर जी को प्रसंग आया, संगत का रंग मन को बहुत लगता है। दुष्ट के यहाँ पे कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए। कल भी हमने बताया कि दुर्योधन के यहाँ अन्न खा करके द्रौपदी को न्याय दिलाने में भीष्म असफल हो गए थे, इसलिए कभी दुष्ट के यहाँ, पापी के यहाँ अन्न नहीं खाना चाहिए। सत्संग से जीवन उजागर होता है और कुसंग से भ्रष्ट होता है। हमारे स्वामी जी क्या करते थे, सत्संग नहीं मिल रहा बेटा, बोले संत कठे मिल रहे, बोले संत नहीं मिला, सत्संग नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, कुसंग मत करना। मैंने कहा कहाँ से कुसंग कर, बोले पति का, पुत्र का, घर का, वालों का, रिश्ते का, किसी का भी कुसंग हो सकता है, जो आपको भगवान की तरफ से विभक्त करके और संसार की तरफ ले जाए वो कुसंग, जो आपके मन में द्वेष की भावना पैदा करे वो कुसंग। तो कुसंग छोड़ो, कुसंग त्याज है। एक बार चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य जी दोनों एक जगह मिले, दोनों ने कुछ कहा नहीं, सब लोग देखे कि इतने बड़े बड़े संत मिले हैं, मिले हैं तो कुछ तो बोलेंगे। तो बोले, एक गाय की सींग पे सुई की नोक, जे राई का दाना इतना टिके, इतना सत्संग टिक जाए तो जीवन पूरा हो जाए, जीवन सफल हो जाएगा। एक गाय की सींग पे राई का दाना टिके, कितना होगा राई का टांग और कितनी देर टिकेगा, उतनी देर टिकने में सत्संग से गुजरे। और तब उत्ते में कहा कि अरे वाह कितनी अच्छी बात बोली। तो दूसरे संत से कहा आपने क्या कहा, बोले एक गाय की सींग पे सत्संग इतना टिके तो जीवन तो बदल जाएगा, लेकिन एक गाय की सींग पे एक राई का दाना टिके उतना कुसंग होगा तो किया हुआ सारा सत्संग खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा कुसंग का पाप बताया है। इसलिए कभी भी आम का वृक्ष बोते हुए बबूल मत लगाओ, किसी जीव का तिरस्कार न करें। तप का प्रथम चरण है जिह्वा, उस पे अंकुश रखें। दुर्योधन विदुर चाचा से कहते हैं, तुम दासी पुत्र अन्न खाकर तुमने बहुत उसकी निंदा की, इसलिए विदुर जी वहां से छोड़ के निकल गए। इसके ऊपर हमने पहले बात करी कि जो अगर किसी संत का अपमान कर दे और वो वहां से निकल जाए, वहीं से उसका शुरू हो जाता है। 12 वर्ष तक तप करेंगे तब सहनशील आएगी। विदुर जी वहां से चले, यात्रा पर निकले। यात्रा पर जाते जाते वहां जाकर के यात इतराते, इंद्रियों को प्रतिकूल विषय से हटा करके और भगवान की तरफ ले जाने का नाम है यात्रा। आजकल यात्रा पे थोड़ी जाते हैं, यात्रा का अर्थ है कितना अपना आनंद मनाए वहां पे और क्या क्या कर सकते हैं। यात्रा मीन्स अपने अपने मन को इस तरीके से बना ले कि वो भगवान के सिवा और कुछ न करें। वहां से यात्रा करते करते विदुर जी यमुना किनारे पहुंचे। देखिए यमुना किनारे पहुंचे, यमुना जी से याद आ गया वृंदावन पहुंचे। भैया यमुना जी मथुरा से वृंदावन की तरफ बहती हैं। वही बात होती है, अध्यात्म की नदी भी जब बहते बहते वृंदावन, मतलब जब भीतर की ओर अध्यात्म नदी राधा रानी के नूपुर तक अगर चली गई और नूपुर के धार से निकल गई तो समझिए आपकी नदी यमुना नदी आपको रस पाने में समर्थ हो गई। वो वृंदावन जहां पे राधा रानी का अनेक मंत्र नाद मंज नूपुर आर वस्कलत समाज राज हंस वंश निकपणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम विचारु चक्र में सदा करिष्य सिंह माम कृपा कट। कौन सी, जिनकी नूपुर की धनी, अनेक मंत्र क्या निकलता है। आप सोचते हैं कि नूपुर से कोई छमछम छमछम पायलिया माजे नहीं है श्री जी का, अनेक मंत्र नाद मंजू नाद ब्रह्म निकलता है। एक दफे किसी सखी ने कहा, अरे कृष्ण कहा तू बंसी बजाएगा, बात कर रहा है कहाते बंसी बजाएगा, बड़ो आयो ग्वाओं को ग्वारियो बंसी बजाने के लिए। बोले देख मेरी बंसी सुनेगी ना तो तू बेहोश हो जाएगी, तू बंसी सुन के तू मोहित हो जाएगी। बोले बजाए ले बजाए ले, कहाँ ते बजाएगा, बोले कहा
बोले मेरी राधा रानी के नूपुर की को जो नाद ब्रह्म निकले और वहां में जो रव प्रकट हो वहा को नाद तू चुरा करके और बंसी में बजाया करे। ये वृंदावन के लोग अपने अपनी बात को कहते हैं। तो अनेक मंत्रों का जो नाद ब्रह्म होता है ना, स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा, ऐसे ऐसे हाथ करके लोग वेद मंत्र बोलते ना यजुर्वेद के, उन सब में नाद होता है। मैं श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने से मेरे आती हूँ, मुझे इतना अधिक अच्छा लगता है ये सस्वर पाठ करते हैं। मेरे को मन में आया कि कल कहूँगी कि 3 बजे थोड़ी 5 मिनट तक वापस सस्वर पाठ सबको भी सुनने दीजिए, उसमें बहुत नाद होता है, नाद ब्रह्म है। और वो निकलता कहाँ है, हमारी राधा रानी की नूपुर से। ऐसा वृंदावन, यहाँ पर जाने के बाद और कुछ याद ही नहीं आए। वृंदावन की बात आई तो मेरे मन में थोड़ा सा वृंदावन के लिए, लेकिन बहुत हो गया आज भजन, इसलिए आगे पहुंच नहीं पाएंगे। अभी कपिलाख्यान में जाना है, सती चरित्र है, ध्रुवाख्यान तक पहुंचना है। वृंदावन पहुंचे और कन्हैया ब्रज ब्रज घूमे, उस रज में लौटने लगे कि मेरे कन्हैया इस रज में लौटे हैं, मैं इसमें लौटूं। उस कन्हैया वहां से लौटने लगे। विदुर जी ने अनुभव किया श्री कृष्ण यहाँ पे बिना पदत्राण के यमुना किनारे गायों को चराने के लिए लौटे हैं, मैं इसे कैसे करूं। वहां देखे तो बोले टेर कदम है, यहाँ देखे तो कृष्ण वंशी बजाने वाले हैं, यहाँ देखे तो चारों तरफ उनको लगा कि वृंदावन ही एक ऐसी जगह है जहां पे कृष्ण को भुलाए भी नहीं भूलते। क्या कहा, यहाँ भुलाए भी नहीं भूलते। भगवान है ऋषिकेश जिसकी प्रत्येक इंद्रिय एक तरफ लग जाए और इंद्रियों का पति श्री कृष्ण जहां पर हो। विदुर जी ने सोचा यहाँ पे गाय दौड़ती है, ऐसी जगह है, यहाँ पे जगत स्वयं भूल जाता है और प्रेम में तन्मय स्वयं हो जाता है। सब साधनों का यही रहस्य है। उद्धव को वहां पे भागवत धर्म का उपदेश मिला था और उद्धव जी भी वहीं पर आकर के उस समय प्रभास क्षेत्र से, जब परंधाम गमन कृष्ण का हो गया था तो प्रभास क्षेत्र से वहां पर आए हुए थे, और उद्धव जी भी वहीं पर बद्रिकाश्रम जाते हुए ब्रजभूमि के दर्शन किए। और आगे 7वें दिन की कथा में, ये पूरी कथा लूंगी अभी शॉर्ट में 2 लाइन में बोलती हूँ, 7वें दिन पूरा उद्धव जी का वृंदावन का चरित्र बताएंगे। आज भी वृंदावन के अनेक साधु समाज बैठ करके वृंदावन की गुप्त लीलाओं के दर्शन करते हैं, करते फिरते हैं। उसी रमण रेती में विदुर जी बैठे हुए थे, कहाँ, वृंदावन की रमण रेती में विदुर जी बैठे हुए थे। और वहां से विदुर जी ने जब आंखें खोली तो सामने उद्धव जी के दर्शन हुए। उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम किया और यहां से विदुर जी ने उन्हें प्रणाम किया। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़ हरिजन सो हरिजन मिले, खिल गए 7 करोड़। इसका अर्थ समझ में आया, 4 मिले, 2 आंखें आपकी, 2 आंखें उसकी, 2 आंखें उद्धव जी की, 2 आंखें विदुर जी की, 4 मिले 64 खिले, 64 मतलब 32 दांत हमारे, 32 दांत उनके, 64 दांत खिल गए। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां हमारी, 10 उंगली उनकी, 20 रहे कर जोड़। हरिजन सो हरिजन मिले तो क्या हुआ, खिल गए 7 करोड़। 3.5 करोड़ हमारे रोए और 3.5 करोड़ उनके रो करके 7 करोड़ रो खिल गए। इसको कहते हरिजन से हरिजन का मिलन, मिलन मन से मन का मिलन। जब रोंगटे खिल गए, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के गले लगे और ऐसा लगा कि जैसे ठाकुर जी से ठाकुर जी का मिलन हो रहा है। मनुष्य जितना समय सत्संग में बिताता है ना, उतना ही समय जिया है। एक रियल में मैं एक संत से मिली हुई हूं, कई बातें तो मेरी संत की भी इसी में याद आ जाती है। एक संत से मिली तो मैंने कहा कितने आप बहुत वृद्ध हो गए होंगे, बोले नहीं मेरी उम्र 3.5 बरस की। 3.5 बरस की उम्र, इतने वृद्ध है 3.5 बरस की। बोले पहले मैं बहुत गाफल था, अब 3.5 बरस जितना इससे ज्ञान हुआ है तब से मुझे लगता है मैं जिया, सत्संग में जितना जीता है उतना ही जिया। विदुर जी ने कहा जिस भागवत धर्म का उपदेश आपको भगवान ने दिया था वह मैं सुनना चाहता हूँ, मैं जातिहीन और कर्महीन हूँ, आपसे श्रवणहीन की इच्छा करता हूँ। किसी के पास जाओ ना संत के पास तो
ऐसा अपने लोगों को कहना चाहिए कि हमको सुनना चाहते। हम तो ऐसे जाकर बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये, हमको ऐसा हुआ, हमको ऐसा हुआ, हमको ऐसा हुआ। नहीं, हमको सुनना चाहते। देखिए उनके अंदर कितनी पवित्र भावनाएं होती है ना, वो अपने आप निकल आती हैं। उद्धव जी ने कहा आप साधारण मानव नहीं है। मनुष्य जब तक दीन नहीं बन जाता ना, नम्र नहीं बन जाता ना, तब तक वो भगवान को नहीं पाता है। विदुर जी आपसे क्या कहूँ, जब मुझे उपदेश दिया था तो मैत्रेय जी वहाँ बैठे थे, मैं तो अभी कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। आप मैत्रेय जी से मिलिए और मैत्रेय जी आपको सब चीज़ बताएंगे। कृष्ण तवास्मि नचास्मि परस्य, भगवान जैसा हमें बनाए थे वैसा हम बन नहीं पाए। उद्धव जी को उस समय अंदर से गम सता रहा था कि प्रभास क्षेत्र से परम धाम गमन चले गए थे, पर उद्धव जी, विदुर जी भगवान ने जाते से मैं आपको याद किया था। विदुर जी ने कहा मुझे भगवान ने याद किया। आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन गते भागवते रुरोद्र प्रेम विव्वल। वो प्रेम से विव्वल हो गए। परम भक्त उद्धव जी के मुख से सुना कि प्रभु के अंतर्धान होने के समाचार सुने, प्रभु ने मुझे याद किया और उद्धव जी के चले जाने से विदुर जी प्रेम विवल होकर रोने लग गए। उद्धव जी तो बद्रिकाश्रम गए और विदुर जी मैत्रेय ऋषि वहाँ पर मिलने के लिए वहाँ गए और मैत्रेय जी से कई प्रश्न किए और प्रश्न करने के बाद उन्होंने, विदुर जी कहते हैं कि एक बार उससे भूल हो गई, मुझे असावधान रहना पड़ा, इसलिए पशु बनना पड़ा। उसके बाद मैत्रेय जी विदुर जी से अनेक प्रश्न पूछे। भगवान अकर्ता है फिर भी कल्प आरंभ, इस सृष्टि की रचना कैसे की? संसार सभी सुख के लिए प्रयत्न करते हैं फिर भी उनका दुख दूर नहीं होता, उन्हें सुख मिलता है, ऐसा क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर मिले ऐसी कथा कीजिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए, जब दुख दूर होगा। सृष्टि की उत्पत्ति का कथा भागवत में बार बार आती है। एको हाँ बहुत श्याम है भगवान की, अभी थोड़ी दिन पहले भी द्वितीय स्कंध में भी सृष्टि की उत्पत्ति की कथा आई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, प्रथम हुए स्वयंभू मनु। उस समय पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई थी, अतः ब्रह्मा ने सोचा प्रजा का निर्माण तो करूं किंतु उसे बसाऊं कहाँ। तो जब पृथ्वी बसाई तो नासिका में से वाराह भगवान का प्रकट हुआ। उन्होंने पृथ्वी को पानी से बाहर निकाला, रास्ते में हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का शासन मनु को सौंप कर चले गए। देखिए कितनी जल्दी वाराह अवतार की कथा कह दी। परीक्षित ने कहा नहीं, यह कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई, लेकिन परीक्षित ने कहा यह हिरण्याक्ष कौन, ये पृथ्वी रसातल में गई क्यों, इसका रहस्य क्या, कुछ तो बताओ, आपने तो एक मिनट में वराह भगवान को बुला करके कर दिया। दिति कश्यप की ऋषि धर्म पत्नी थी। एक दिन सायंकाल को दिति को श्रृंगार करके पति के पास गई। कश्यप ने कहा देवी यह समय सायंकाल का है, काम सुख के उपयुक्त नहीं। सायंकाल सूर्य और चंद्र तेज क्षीण हो जाते हैं, दुर्बल होते हैं। सूर्य का स्वामी है बुद्धि और उसका स्वामी है मन का स्वामी है चंद्र। चंद्र घटता बढ़ता रहता है, क्षीण होता रहता है। शाम के समय चंद्र की चीज क्षीण हो जाती है, मन और बुद्धि उस समय में काम प्रवेश कर जाता है। उसने कहा नहीं, मुझे तो इसी वक्त चाहिए, काम ऐसा दुष्ट है, एक बार हृदय में प्रवेश करता तो बाहर निकलता नहीं। उल्लुओं की सभा में एक दफे प्रस्ताव पास हुआ, बीच में कहानी याद आ गई। उल्लुओं की सभा हुई, कई लोगों को जब मरने आती है कि यही ठीक है तो किसी न किसी तरीके से साबित करते रहते हैं, इसमें हुआ इसलिए ठीक है, इसमें हुआ इसलिए ठीक है, इसमें हुआ इसलिए ठीक है। सब लोग अपने ठीक को साबित करते हैं कि नहीं, अपने को जो जच गई वो ठीक है, दूसरे को जचा वो पता नहीं, और उसको फिर पूरी जीवन इसी में लगा दिया हमने। एक्सप्लेनेशन, तुमने ये क्यों किया, वो इसलिए किया ना कि मैंने सोचा ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा। अपनी बुद्धि को इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि दूसरे की बात सुन नहीं पाते। यहां पर यही की यही बात हुई, उल्लुओं की सभा में प्रस्ताव पास किया, हमने रोज सुना है कि यहाँ पर सूर्य है, पर तुमने देखा नहीं, देखा तुमने देखा, पूरी सभा में किसी ने कहा कि हमने तो कभी भी उल्लू नहीं देखा, नहीं कभी भी सूर्य नहीं देखा, सॉरी, तो सूर्य नहीं देखा तो मतलब फाइनल। अभी हमने आप, मैं आप सबसे पूछूं कि आपने कभी भगवान को देखा, नहीं देखा, है ही नहीं,
होता तो हम में से किसी को दिखता कि नहीं, किसी को नहीं दिखा मतलब सूर्य नहीं है, प्रस्ताव पास करो सूर्य नहीं है। तो इसका अगर उल्लुओं ने कह दिया कि सूर्य नहीं है तो सूर्य का अस्तित्व नहीं है, तो क्या सूर्य नहीं है? वैसे ही अगर अभक्त कह दे कि भगवान दिखते नहीं है हमें, भगवान नहीं है, तो क्या भगवान नहीं है? तो जो भगवान नहीं है बोलता है वो क्या है? उल्लू। देखिए हमें तो ऐसा लगता है, अरे भाई तुमने नहीं देखा, कई लोग बोले हमने बहुत पढ़ा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साइंस में आया है तो पहले मुझसे कहा गया था कि कभी पुष्पक विमान हुआ ही नहीं। अरे भाई वो यंत्र, वो आज यंत्र युग है, उस समय मंत्र युग था। अगर यंत्र से रोज आज मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, आज से 25 वर्ष पहले था, आज हो गया तो आप मानने लगे। वैसे ही उस समय मंत्र, आज मंत्र इतने प्रबल नहीं है कि मंत्र से हम कुछ प्रकट कर सकें। पर ये कैसे कह दें कि अगर हमको मंत्र नहीं आता तो मंत्र में उतनी शक्ति नहीं कि आज प्रकट कर ले? पहले कृत्या को धट देने से ऋषि ठर्र करके प्रकट कर देते, एक मंत्र बोला खत्म। अरे हमारे पास ऐसे मंत्री नहीं है, आजकल मंत्र दृष्टा भी नहीं है, मंत्र बोलने वाले नहीं है, तो कहां से मंत्र से होगा? आजकल तो यंत्र बोलते हैं कंप्यूटर में, ऐसे ऐसे करके वो क्या आता है इंटरनेट, ऐसे ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे करके ओपन ओपन क्लोज ओपन क्लोज, ये मंत्री है ना, ओपन क्लोज पड़ाक लगाया कर दिया। तो जब यंत्र में इतनी शक्ति आ सकती तो मंत्र में क्यों नहीं आ सकती, बताइए? वही उल्लू वाली बात कि हमको नहीं समझ पाती मतलब है नहीं, इसका तात्पर्य यह नहीं है। जब दिति ने जाना कि गर्भ से राक्षस उत्पन्न होने वाले हैं तो दिति को बड़ा दुख हुआ, अब मैं क्या करूं? तब उसने कहा पति से जाके कि क्या करना? बोले चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे गर्भ से जो दो पुत्र राक्षस उत्पन्न होने वाले हैं उनको मारेंगे, भगवान स्वयं मारने के लिए आएंगे। विदुर जी ने प्रश्न किया, ऐसी क्या बात है कि उसके उनसे जो राक्षस आएंगे उनको है ना भगवान स्वयं मारने आएंगे? बोले हाँ, एक बार ब्रह्मा जी ने कहा मेरे मानस पुत्र सनकादि घूमने गए थे, वैकुंठ लोग गए, सनत कुमारों को अलौकिक वैकुंठ रूप का दर्शन करना था, जो जय विजय अपन कहते हैं ना जय विजय जो द्वारपाल थे उन्होंने अंदर जाने से मना किया। काफी बार कहा मुझे दर्शन करने जाना, उन्होंने कहा नहीं आपको दर्शन अभी नहीं कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के साथ में आप नहीं जा सकते हैं। उनको क्रोध आ गया। अब आप कहेंगे सनत कुमारों को क्रोध आ गया, जितना भी ऋषि मुनि महात्मा को क्रोध आता है वो सारा का सारा दूसरे के हित के लिए आता है, आप समझ लीजिए। हम सोचते हैं कि अरे वो दुर्वासा ऋषि कितना करते हैं, उतना दूसरों के हित के लिए क्रोध आता है। सनत कुमार 6 कुंड पार कर करके गए, 7वें पर आए, वहां जय विजय ने उन्हें मना किया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ 3 योनि तक तुम मृत्यु लोग जाकर के राक्षस बन जाओ। तो वो 3 बार राक्षस बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, आप सब नाम जानते हैं, दूसरा ये रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र। ये 6, ये 3 योनि में वो लोग बने। जय और विजय हम दोनों लेकर के चलते हैं, नाम कितने सुंदर है। इस नाम को संतों ने कहा है जय मतलब प्रतिष्ठा और विजय मतलब चारों तरफ हमारी विजय हो। प्रतिष्ठा तो है पर विजय मतलब चारों तरफ विजय हो। जहां पर जय विजय रोकते किस लिए हैं कि 7 द्वार पर आकर के अभिमान को रोकने के लिए जय विजय रोक रहे थे, कि उन्हें अभिमान था कि हमें क्यों रोका गया। वैसे का वैसे हम कहीं जाएं सत्संग में जाएं और हमें पीछे क्यों रोका जाए, हम सबसे आगे, वैसे का वैसे कभी न कभी ये अभिमान सबको आता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्त तथा लोभस्तस्मात् देत्रयम् त्यजेत्। देखिए मैं जरा जरा श्लोक इसलिए बोल देती हूँ कि आपको लगे नहीं कि मैं भागवत नहीं बोल रही हूं। जय जय श्री राधे। हिरण्याक्ष और हिरण कश्यपुर 4-4 हाथ रोज बढ़ने लगे, कितने 4-4 हाथ रोज बढ़ने लगे। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति। मैं आशय बताने जा रही हूं, कथा आपको सब कुछ मालूम है, आशय बता रही हूं कि हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति, लोभ, ये रखा वो रखा। एक जगह मैं देखी आंख से,
एक जना भोजन कर रहा था, वो सब लोग तो एक एक फलका लेकर उठ रहे थे, उसको बेचारे को ज्यादा चाहिए था, तो मांग नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, ऐसे इशारा कर रहा था, अरे दो पुरस दिए, तीसरी पूरी पुरस दी, फिर उसके बाद उसने कहा अब तो क्या करें, मतलब बार बार इससे कर रहा है, मतलब परोस, मतलब ऐसे ही हमारी संग्रह वृत्ति है, जितने रुपए आए आने दो आने दो, किसी के यहाँ जाते हैं, किसी को पूछने जाते हैं कि भैया कितने रुपए का सौदा हुआ, 100 क्या 200 तो कर ही दो, 200 क्या 500 तो कर ही दो, हमारी संग्रह वृत्ति कभी नहीं जाती। और कोई किसी को रुपया देने आवे तो दूसरे को, हमको 500 रुपया दिया और दूसरे को 1000 दे दिया ना, तो 500 की खुशी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, उसको 1000 दिए, मेरे को खाली 500 दिए, अरे 500 तो तेरे बाप के नहीं थे, वो तो दिए उसकी तो खुशी बना, संग्रह वृत्ति, उसके 500 तो मेरे भी 1000, ये संग्रह वृत्ति का नाम है हिरण्याक्ष, जो लोभ है चार चार हाथ रोज बढ़ता है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिक आई, लोभ बढ़ता ही नहीं है। पहले थोड़े से रुपयों में रहते थे, एक मजाक की बात कह दूं, मजाक की माफ करिएगा, एक दफे मैं वृंदावन की बात है, कई लोग बैठे, 500 करोड़ की पार्टी है, 200 करोड़ की पार्टी है, 1000 करोड़ की पार्टी है, 2000 करोड़ की पार्टी है, फला तो इतने इतने करोड़ की पार्टी है, इतने इतने करोड़ की पार्टी है। मैं बोले इतने करोड़ की पार्टी देख कर आवा रोटी के खावे, रोटी में खावा भी से भी कमती खावे, और बोले दवाया कितनी ले, बोले सुबह से लेकर रात तक दवाया को ज्यादा भोजन करे, और बोले के करे, बोले टेलीफोन पर रुपया इकट्ठा करे, हमारा बैंक बैलेंस कितना हुआ, ठीक है नींद अच्छी आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ावे, रुपया दिन भर में कितना खर्च करे हमसे भी कम, क्योंकि घर में बहुत रुपया होएगा, समझो एक बहुत 2000-1000 करोड़ की पार्टी से भी मेरा भी काम पड़ा है भाई। तो उनके यहाँ पे गई तो देखी तो भोजन का समय हो गया था, मैं नाम नहीं बोलती हूँ, भोजन का समय हो गया था, यही जिमी है यही जिमी है, मैंने कहा ठीक है भाई चलो जिम लेते, थाली में आए तो 3 उबली सब्जी फलका, मैंने कहा कि यही जिम, बोले हम सब लोग उबली सब्जी खाते हैं तभी स्वस्थ रहते हैं, अरे भाई स्वस्थ तो रहते हैं पर उबली सब्जी फलका, बोले डॉक्टर की मनाई की हुई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इंग्रेडिएंट सब बढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोग तो यही सब्जी खाते, भाई हमारे यहाँ जाते हैं अचार है चटनी है 3 प्रकार की सब्जी है, मीठा है चरका है, ऐसे ही जिम ने बैठते हैं। अरे मैंने कहा इतने करोड़ की पार्टी है, फिर मैंने कहा दोपहर में देखा तो वो लोग जिमने के बाद बैठे थे, तो घंटी आई तो फ्लैट की घंटी खोलने के लिए खुद गई भाई साहब, मैंने कहा आप क्या नौकर हमारे यहाँ सब दोपहर में सो जाते हैं चले जाते हैं, घंटी हम ही खोलते, लो भाई इतनी 2000 करोड़ की पार्टी, हमारे यहाँ 100 करोड़ की पार्टी के भी एक आदमी तो रहता है अंदर खोलने, लेकिन मजाक नहीं करती हूँ, एक बात आपसे शेयर कर रही हूँ। शाम हुई बोले हम तो घूमने जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल घट जाता हम घूमने जा रहे हैं, अरे भाई तुम्हारे घूमने जा तो रहे हो लेकिन अभी शाम का कार्यक्रम क्या भोजन का, शाम को हम एक टाइम भोजन करते हैं, शाम का भोजन करते नहीं तो हमारा स्वस्थ नहीं रह सकता, बल्कि वो करोड़ रुपया खर्चते कहाँ हो, मैंने कहा दिन भर में ये कार्यक्रम करते हो तो इतने 1000 करोड़ रुपए खर्चते कहाँ हो, खाली माथे में इतने जा, मैंने कहा मैं भी 9000 करोड़ की पार्टी हूँ, बोले आप भी 9000 करोड़ की पार्टी, मैंने कहा मैं 9000 करोड़ की, अरे आपके 1000 करोड़, आप 9000 झूठ नहीं कहूंगी भागवत आत्मा मैंने कहा 9000 करोड़ की, बोले क्या, मैंने कहा मेरी एक एक भक्ति नवदा भक्ति 1000 करोड़ रुपये की है, सरणम कीर्तनम सेवनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सक्यम तास्यम आत्मनिवेदनम, 1000 करोड़ की 1 नवदा भक्ति है कि नहीं, उससे भी ऊपर है, तो मैं ज्यादा किया तो 9000 करोड़ की अपरिमित है, 1 भक्ति के 1000 करोड़ दो तो कम से कम वो 1000 करोड़ हम भक्ति का आनंद तो ले सकेंगे, ये जो पैसा पैसा करके बैठे रहते हैं उसमें 9000 करोड़ की बिल्कुल आनंद भी नहीं लेते, घर में बैठ के आनंद भी नहीं लेते, वो खाना चाहिए ऐसा नहीं, मेरे को भी डॉक्टर ने बोला उबली हुई सब्जी खानी चाहिए, किंतु ये बात वहां पर चल रही थी कि संग्रह वृत्ति हिरण्याक्ष है और वो लोभ बढ़ता रहता है, अब उसको कैसे मारे जाए, हिरण्याक्ष को मारा है वराह भगवान ने, वो कोई भी वराह भगवान सबके पास आते हैं, उसका नाम है संतोष,
लोभ को मारने के लिए संतोष वृत्ति की आवश्यकता है। जितना संतोष, मैंने कईयों को देखा काम करते हैं ना, उनसे बात करती हूँ, भैया काम करने के अंदर मेरा काम पड़ता है, इसलिए गृहस्थ में रहती हूँ ना, और बहुत लोगों से मिलना जुलना रहता है। आज हमारे काम है, आज हमारे काम बहुत है। मैंने कभी उनके नहीं सुना कि आज के उनके काम नहीं, उनके पास समय। अरे भाई क्या बात है, इतने फंसे हुए, जरा तो एक दिन तो मिल लो। मरने की भी फुर्सत नहीं है, क्या बताए राजू भाई, मरने की भी फुर्सत नहीं। मैंने कहा मरने के लिए फुर्सत निकालने की जरूरत नहीं, वो आपकी फुर्सत निकलवा लेगा। आप क्यों बोलते हो मरने की भी फुर्सत नहीं? अरे मरने के लिए फुर्सत निकालने की जरूरत नहीं, वो आपकी फुर्सत से नहीं आएगी मृत्यु, वो अपने आप आपको जिस काम में होगे वहीं से उठा लेगी। बोलिए ऐसे, मरने की भी फुर्सत नहीं। आदमी जो बिल्कुल सत्कर्म और सद्विचारों से सत्संगी आदमी है और जिसको बोध हो गया है, उसके पास समय ही समय है। जो जिम्मेदार उत्तरदायित्व आदमी, उसके पास समय ही समय है, और जो जिम्मेदार नहीं है उसके पास कभी समय नहीं। वो हमेशा कहेगा मैं बिजी। और मैंने अच्छे अच्छे विवेकवान लोगों से कहा आपको समय समय समय, भगवान की बात के लिए क्या समय नहीं, जब चाहिए जब समय, किसी के काम आ जाए उसके लिए समय ही समय है। उत्तरदायित्व और बोधपूर्ण व्यक्ति हमेशा कहेगा मेरे पास समय है, और जो जिम्मेदार नहीं है, जिसको कुछ करना नहीं है, वो हमेशा कहेगा समय नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं। मुझे पता भी नहीं है कि उनको कैसे पता है कि मरने के लिए फुर्सत निकालनी पड़ेगी। खैर, दिति के गर्भस्थ शिशु का बढ़ रहा था, ए तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एवच कदर्थी कृत्य माम यद्वो वय्य कृत्ता मति कृत। हिरण्याक्ष ने जाते हुए जब रसातल से पड़ी हुई भूमि थी, 12 महीने तक जप करने से, 12 महीने तक जप करने से, मेरा नहीं लिखा हुआ है ये, मैं भागवत से पढ़ के सुना रही हूं, मेरी लाइन नहीं है, मैं इसके काबिल नहीं हूं, इसलिए मैं अच्छे से बोलती हूँ पढ़ के। 12 महीने तक लगातार जप करने से, एक बार एक दिन क्रोध करने से वो जप का फल नष्ट हो जाता है। मैंने पढ़ के मैं खुद भी चुप हूं, पर पढ़ा के सुनाई, एक बार क्रोध जप कर जप नष्ट कर देता है। इसलिए बाप जी ने लिखा है कि जप करने वाले को अति सावधान रहना चाहिए। जप कितना किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना अपराध के कारण से बह गया वो इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटी सी घटना मेरे को बताई थी, एक जना बहुत कमाई करता था, कम से कम तो आज 30-40 बरस पुरानी बात होगी, और मैंने अपने ही पिताजी से सुनी, कोई इनका इतना कमा रहे हैं, आज तो बहुत कमाई है भाई, मार्केट है, इतनी कमाई है कि कोई हिसाब को नहीं, अब आज तो बहुत कमाई, इसमें इतना फायदा, इतना फायदा। उन्होंने कहा कभी कमाई मत देखो, तलपट देखो कि खर्चा कितना है। बाहर निकलते हुए को हम देखते नहीं है, आते हुए को हम देख लेते हैं, इसलिए वो फिर घाटे में रह जाता है। वैसे ही नाम जब कमाई है हमारी, नाम जब कमाई करते हुए तो हम देख रहे हैं कि हमने इतना नाम जब किया, पर कितने के द्वारा हमारे तलपट से वो निकल गया, कितना खर्चा हमारा हो गया, वो हम काउंट नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं कि नाम जब से अभी तक हमको रुचि नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा खर्चा घटता चला जाता, हम अपराध करते हैं उसको नहीं गिनते। क्रोध करने से घट जाता है, पश्यतेत पश्यक। हिरण्याक्ष अभिमान का अवतार, हिरण्यकश्यप अभिमान का अवतार था, और हिरण्याक्ष लोभ का अवतार था। 12 अवतार तब उसी समय जो ही रसातल में पृथ्वी लेकर के वो गया, उसी समय रसातल से पृथ्वी अपने नाक पर लेकर के वराह रूप से श्री स्वयं ठाकुर जी पधारे। बोलो वराह भगवान की जय। समुद्र हुए डूबी हुई पृथ्वी को वराह भगवान ने बाहर तो निकाला, किंतु उसे अपने पास न रखा, उसे मनुष्य दे दिया। कौन सा दिवस सबसे श्रेष्ठ है, कौन सा दिवस सबसे श्रेष्ठ है? जिस दिन अपने हाथ से सत्कर्म हो गया वो दिन श्रेष्ठ, अपने जमा करो श्रेष्ठ दिवस। सीरियल देख करके, पिक्चर देख करके, होटल में खाके जो दिन गया वो उसको अश्रेष्ठ गिनिएगा, वो वेस्ट।